बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने कमेंट्स के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में कंगना को बॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। यह नॉमिनेशन कंगना को उनकी फिल्म थलाइवी के लिए मिला था। हाय दोस्तों, आप सबका मूवी मसाला में स्वागत है। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि बॉलीवुड से जुड़ी हर जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो बता दें कि कंगना रनौत ने मैगजीन के ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद मैगजीन ने एक लंबा स्टेटमेंट जारी करते हुए कंगना का नॉमिनेशन ही वापस ले लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। कंगना के दुर्भावनापूर्ण बयान के बाद फिल्म फेयर अवार्ड ने जवाब में कहा कि एक्ट्रेस को अवार्ड दिए जाने के बारे में या इवेंट में किसी परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा गया था। मैगजीन ने वह मैसेज भी पब्लिश किया है जो कंगना को उनके नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था। इस मैसेज में लिखा था कि हेलो कंगना, आपको फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन के लिए बधाई। यह खुशी की बात होगी कि आप वहां मौजूद रहे। कृपया 30 अगस्त को मुंबई के बेकेसी में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर अपनी उपस्थिति कंफर्म करें। मैगजीन ने अपने लंबे मैसेज में यह भी कहा है कि ये कंगना रनौत के लिए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। वे कंगना को फंक्शन में बुलाकर सभी फिल्म एक्ट्रेस के साथ इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करना चाहते थे। फिल्म फेयर ने अपने मैसेज में यह भी साफ किया है कि वे तब भी नॉमिनी को अवार्ड देते हैं जबकि वह फंक्शन में ना तो मौजूद हो और ना ही कोई परफॉर्मेंस दी हो। बता दें कि कंगना पहले ही 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। इसमें से 2 अवार्ड्स में कंगना मौजूद भी नहीं थी।